सड़क किनारे खुला नाला और नाले में गिरी पड़ी एसयूवी। ये तस्वीरें देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि यहाँ ज़रूर कोई बड़ा हादसा हुआ है। नाले के आसपास खड़े और सड़क से गुजर रहे लोग भी यही सोच रहे थे कि या तो ड्राइवर ने नशे में कार नाले में गिरा दी या फिर गाड़ी किसी हादसे का शिकार होकर नाले में जा गिरी। कोई भी कार को इस हाल में दिखेगा तो जाहिर है कि यही सोचेगा। लेकिन नाले में इस एसयूवी के गिरने की कहानी अलग है, जो सिर्फ इस कार के मालिक को पता थी। आइए आपको दिखाते हैं यह हादसा कैसे हुआ। दिन था रविवार, वक्त था सुबह 10:30 के करीब। नाले के किनारे सड़क पर कार खड़ी करके ये शख्स इस बिल्डिंग की ओर बढ़ा। अभी वो बिल्डिंग की तरफ पहुंचने ही वाला था कि कार खुद ही ढलान की वजह से आगे बढ़ गई और नाले में जा गिरी। अपनी लाखों की एसयूवी कार नाले में गिरता देख मालिक सकते में आ गया। गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर सेठ सिंह पैलेस के बाहर हुई ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर लोगों में बहस छिड़ गई। स्थानीय व्यापारी इसे लेकर नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसने नाले की सफाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया। अगर नाला बंद होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हादसे के लिए मालिक भी जिम्मेदार है। आमतौर पर लोग इस तरह कार पार्क नहीं करते हैं, और करते हैं तो हैंड ब्रेक लगा कर करते हैं ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहन के चलते बनने वाले दबाव से कार आगे ना बढ़ जाए। यहाँ पर कार मालिक ने ऐसा नहीं किया। अगर हैंड ब्रेक लगाए गए होते तो शायद ये भी हादसा नहीं होता। खैर, कार को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसकी भरपाई अब कार मालिक को अपनी जेब से ही करनी होगी। नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी समझे तो शायद ऐसे हादसे नहीं हों। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।